सोचो कि आप पहली बार किसी नई जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर आपको ये एहसास होता है, गाइला ये सब कुछ तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, इस जगह पर तो मैं पहले कभी जरूर आ चुका हूँ, लेकिन कब? यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, कहीं ये सब मेरे पिछले जन्म की यादें तो नहीं, या कहीं मैंने इस जगह को पहले कभी सपने में तो नहीं देखा, या फिर ये सब है पैरेलल यूनिवर्स का चक्कर। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ऐसा एहसास होता है कि आप किसी जगह को पहले भी देख चुके हो या किसी घटना को पहले ही महसूस कर चुके हो, तो इसे कहते हैं डेजा वू। ये बात तो आप सबको पहले ही पता होगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि भैया डेजा वू का मतलब होता है ऑलरेडी सीन, और ये एक फ्रेंच वर्ड है। और अगर ये भी पहले से पता था तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि डेजा वू के भीतर ही दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, डेजा विजेट यानी पहले भी देखी गई जगह, और डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ, और जब इन दोनों भावनाओं को मिला देते हैं तो बनता है डेजा वू। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह पर गए ही नहीं हो, ना ही कोई घटना जो आपको याद है वो पहले आपके साथ कभी घटी हुई हो, तो फिर ये डेजा वू की फीलिंग आती कहां से है? क्या हमारे पास होती है सुपर पावर्स के हम अपना फ्यूचर पहले ही देख चुके होते हैं, जो बाद में डेजा रेवे के रूप में हमारे सामने आती है? अब आप बोलोगे कि भैया ये डेजा वू तो सुना था, ये डेजा रेवे क्या वाला? तो रुको, जरा सबर करो, आगे सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ज्ञान नहीं पेलेंगे डेजा वू के बारे में, बल्कि ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आपको मजा आ जाएगा। जानेंगे कि डेजा वू का पिछले जन्म की यादों से क्या रिलेशन है, और समझेंगे कि ये ग्लिच थ्योरी का क्या एक्सप्लेनेशन है। सब कुछ कर देंगे आज, कुछ नहीं छोड़ेंगे डेजा वू के बारे में आज के इस चैनल के सबसे इंटरेस्टिंग और फाड़ू वीडियो में। डेजा रेवे, इस शब्द का मतलब होता है ऑलरेडी ड्रीम, मतलब ऐसी जगह या ऐसी घटना जिसे हम सपने में पहले कभी देख चुके हैं, और इस चीज को मैंने पर्सनली फील किया है। इसको मैं एक फ्यूचर सीइंग फेनोमेना से रिलेट करता हूँ, मतलब ये शायद वाकई में ऐसी सुपर पावर है जो हर ह्यूमन के अंदर होती है, और इसकी वजह से इंसान अपने फ्यूचर में होने वाली घटना को देख सकता है, वो भी सपने में, क्योंकि ऐसा पर्सनली मेरे साथ भी हो चुका है। चल झूठा। मैंने करीब 6 साल पहले एक सपना देखा था, सेम जगह पर सेम इंसिडेंट, जब 6 साल बाद मेरे साथ हुई, मैंने बिल्कुल वही फील किया जो 6 साल पहले मैंने सपने में फील किया था, और फिर जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने सपने में ये सब पहले भी देख रखा था, क्योंकि जब मैंने सपना देखा था 6 साल पहले, तब मैंने इस चीज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, मुझे लगा था कि ये बस एक सपना ही तो है। एंड आई नो कि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, इसी को तो कहते हैं द ड्रीम कम्स ट्रू। और एक मजेदार फैक्ट बताता हूं कि ये जो पावर होती है या ये जो घटना होती है, ये दुनिया के 70% लोगों के साथ होती है, जिंदगी में एक ना एक बार जरूर हो चुकी होती है, और सबको लगता है कि हमारे अंदर ही कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये मत सोचना कि भैया तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है, 10 में से 7 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। खैर, दुखी होने की बात नहीं है, ये केवल डेजा रेवे का फैक्ट था। अब चलते हैं जरा आपके और हमारे पिछले जन्म में, और जानते हैं कि क्या आखिर वाकई में डेजा वू का हमारी पिछली जिंदगी से कोई रिलेशन होता है। कई लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि डेजा वू के पीछे की वजह हमारे पूर्व जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि मरने के बाद हम एक नया जन्म लेते हैं, और जब हमारा नया जन्म होता है तब हम अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन शांति देवी जैसे ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो इसका मतलब शायद ये है कि हमारा दिमाग नई जिंदगी में भी पिछले जन्म की कुछ यादें संभाल कर रखता है। तो ऐसे में जब हम अपने पिछले जन्म से जुड़ी हुई किसी चीज या किसी जगह को देखते हैं, तब हमें ऐसा एहसास होता है कि ये डेजा वू है। लेकिन नहीं, ये डेजा वू नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ओम शांति ओम, जहाँ पर आपको पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जबकि डेजा वू इससे बिल्कुल अलग है। डेजा वू में हमें फीलिंग होती है कि ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। एनीवे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ओम शांति ओम। ग्लिच थ्योरी इंसानी दिमाग को घुमाने वाली बातों में से एक है। आमतौर पर जब डेजा वू हमारे साथ होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत छोटा सा हादसा होता है जिसको हम बड़े जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर ग्लिच थ्योरी की बात माने तो डेजा वू असल में हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेजा वू कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि इस थ्योरी के अनुसार समय जैसी कोई चीज नहीं होती। समय को केवल वैज्ञानिकों ने इंसानी जीवन को सरल बनाने के लिए इन्वेंट किया है। समय कुछ भी नहीं होता बल्कि एक छल है, और ग्लिच थ्योरी के अकॉर्डिंग जब नेचर में कोई ग्लिच आता है तब हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ जीते हैं, और उस समय हमारे दिमाग को ऐसा एहसास होता है कि इस जगह को हमने पहले भी कभी देखा है। मैंने आपको कहीं देखा है,
क्योंकि वर्तमान में आप उसी जगह पर खड़े हो जहाँ भविष्य में आप उस जगह पर कभी जाने वाले थे। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब बनती है ग्लिच थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। और मैं पूछकर बताता हूँ रिसर्च कितना कम्प्लीट हुआ। क्यों भाई नासा वालों, रिसर्च कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा। जब कम्प्लीट हो जाएगी तो एक और वीडियो बना के पूरा डिटेल में बता दूंगा इस ग्लिच थ्योरी के बारे में। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष में हमारी दुनिया में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, जिनमें सभी की जिंदगी एक जैसी एक साथ चलती है। इस समय हमारे ब्रह्मांड में जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांड में दूसरी जिंदगियां चल रही होंगी। बस अंतर इतना सा होता है कि हमारे और उनके जीवन जीने के तरीके में बहुत अंतर होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस यूनिवर्स में मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो देख रहे हो। सकता है किसी और यूनिवर्स में आपने इस वीडियो को बनाया हो और मैंने इस वीडियो को देखा, तो उस यूनिवर्स में जब आपने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया होगा तो आपने इस पर रिसर्च की होगी, इसके बारे में स्क्रिप्ट लिखी होगी, दिमाग लगाया होगा, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। और इस यूनिवर्स में जब आपने इस वीडियो को देखा तो आपको ये महसूस हुआ कि ये सब काम आप पहले भी होते हुए देख चुके हो, जबकि रियलिटी तो ये है कि पैरेलल यूनिवर्स में आपने ही इस वीडियो को बनाया था। आपके दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी, इसलिए जब आपने इस वीडियो को इस यूनिवर्स में देखा तो आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो को तो मैंने पहले भी देखा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पहले कहीं या दूसरे किसी ब्रह्मांड में रिसर्च की थी। ये सारी बातें तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इन्हें जब आइंस्टाइन ही नहीं समझ पाया तो आप और हम क्या समझेंगे। लेकिन अगर फिर भी समझ गए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में बार बार जाते हैं तो उस कमरे से रिलेटेड मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, लेकिन कई सालों बाद आप बिल्कुल वैसे ही जब किसी कमरे में जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है, आपका दिमाग आपको ऐसे सिग्नल देता है कि आप इस जगह पर पहले भी कभी आ चुके हो, जबकि रियलिटी तो ये होती है कि आप वहां पर पहले कभी गए ही नहीं थे। आप इस जैसे मिलते जुलते कमरे में कई बार गए थे, जिसकी यादों को दिमाग ने इस जगह के साथ जोड़ने की कोशिश की और आपको डेजा वू का एहसास कराया। और इस फेनोमेना को ग्रांट एट एल नाम के एक साइंटिफिक प्रयोग से प्रूफ किया गया है कि हमारा दिमाग पहले घट चुकी घटनाओं को वर्तमान में हो रही घटनाओं के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे सिग्नल भेजता है जिससे हमें ये लगता है कि जो चीज पहले हो चुकी थी वही फिर से हो रही है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात माने तो डेजा वू कुछ भी नहीं बल्कि हमारे दिमाग का केमिकल लोचा है। खैर मुझे नहीं पता कि डेजा वू हमारी सुपर पावर है या कोई लोचा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वीडियो खत्म होने वाला है और आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया? एनीवे जब आप लाइक करने जाओगे तो आपको नीचे एक कमेंट मिलेगा जो होगा द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्यूड दैट ही नेवर टेक्स द क्रेडिट। और आपको इस कमेंट को पढ़कर एहसास होगा कि आई जा इस कमेंट को तो मैं पहले भी कभी पढ़ चुका हूँ, मतलब डेजा वू। तो भैया ये डेजा वू नहीं है, ये है नल्ला वू। कुछ नल्ले लोग ऐसे होते हैं जो एक ही कमेंट को बार बार देख कॉपी पेस्ट कर करके कमेंट सेक्शन की वाट लगा देते हैं। तो ठीक है, नल्ले लोगों को उनका काम करने दो, आप तो नल्ले नहीं हो, तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाओ वीडियो पर और मुझे बताओ कि भैया अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।